हाय गाइस गाइस बात करेंगे सेकंड टेस्ट मैच जो कि ब्रिस्बेन में खेला जाने वाला है 25 से 29 जनवरी को। वेस्ट इंडीज यूरोप ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो मुकाबला चल रहा है सेकंड टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, उसका तीसरा डे है। वेस्ट इंडीज ने 35 रन से लीड करी है। दोस्तों वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतते पहले बैटिंग करते हुए 311 की एक शानदार पारी खेली। उसके बाद फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने जवाब दिया 289 की पारी खेली 9 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों उसके बाद वापस फर्स्ट सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज़ ने कल बल्लेबाजी करते 13 रन की पारी खेली और आज यहाँ पे आज का तीसरा डे है और सेशन वन स्टार्ट होने वाला है। वेस्ट इंडीज़ ने 35 रन लीड करी है। आज देखते हैं वेस्ट इंडीज़ किस अपना परफॉर्म दिखाती है इस मैच में। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छी पारी देखने मिल सकती है फिर से आपको। दोस्तों अभी रन आ गई एक की तो मुकाबला एक बार फिर से अच्छा देखने मिल सकता है आपको। वेस्ट इंडीज़ की अच्छी बल्लेबाजी हो सकती है, फिर से 311 की फर्स्ट इनिंग बहुत ही शानदार पारी खेली है। दोस्तों उसके बाद 289 की पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करते हुए। दोस्तों आज मुकाबला बहुत ही शानदार एक रोमांचित पारी देखने मिलेगी आपको सेकंड टेस्ट मैच। दोस्तों स्कोर बोर्ड फोटो के साथ आपके सामने जो वीडियो है, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बात करेंगे। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग किस तरह रही इस मैच में, 13 रन आए हैं, विकेट गिरा अभी तक एक। ब्रेथ वाइट कैप्टन ने नॉट आउट पारी खेली 3 रन की, 20 गेंदों का सामना करते 3 रन बनाए हैं उन्होंने, 15 की रही इनकी स्ट्राइक रेट, 20 गेंदों का सामना किया मात्र 3 रन आए हैं उनके बल्ले से। चंद्र पाउल आज फिर आउट हुए, छोटी पारी खेली उन्होंने, 4 रन की पारी खेली है, 26 गेंदों में 4 रन बनाए मात्र। हेजलवुड की गेंद पर केन उनका कैच लगा। दोस्तों हेजलवुड एक अच्छे गेंदबाज हैं जो कि टेस्ट में से अच्छा विकेट निकालते हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं वो, अच्छी गेंदबाजी करते हुए उन्होंने लगातार विकेट भी लिए हैं। यहाँ पर 8वां ओवर चल रहा है और एक विकेट गिर चुका है, 13 रन आए अभी तक। और बात करेंगे रन रेट की तो 1.73 की रन रेट आ रही है। ए टू बैटिंग की बात करेंगे तो क्रिक मैकेंजी एलेक केवेम जस्टिन जोसो द सिल्वा केविन सिंक्लेयर अर्जय जोसेफ केमर रोच समर जोसेफ ये गेंदबाजी करने आएंगे। दोस्तों मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा रहा, टोटल यहाँ पर 13 पारी खेली एक विकेट नुकसान पर, बहुत ही शानदार पारी अच्छी पारी यहाँ पे देखने मिली है। टोटल फॉलो विकेट की बात करेंगे तो यहाँ पे 13 पे गिरे पहला विकेट चंद पोल का 8 ओवर 30 गेंद पर। दोस्तों बात करेंगे बॉलिंग की, मिचेल स्टॉक ने यहाँ पर 4 ओवर में एक मेडल निकाला है, 6 रन देखे 1.50 की रही उनकी स्ट्राइक रेट। और बात करेंगे जोश हेजलवुड की जो कि 4 ओवर में दो मेडल निकाला है, 2 रन देखे 1 विकेट लिया है उन्होंने। दोस्तों हेजलवुड की बहुत शानदार गेंदबाजी रही है आज, बहुत ही शानदार मुकाबला फिर से देखा गया है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने करी है इस मैच में। दोस्तों बात करेंगे मुकाबले की तो मुकाबला फिर से शानदार मोड पर आ चुका है यहाँ पर, अभी वापस आज ऑस्ट्रेलिया की अच्छी गेंदबाजी देखने मिल सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया से आज गेंदबाजी करती है तो पूरा इनिंग अपने हाथ पर रख सकती है, पूरा गेंदबाजी भी डिफेंड करेगा जो ऐसी बल्लेबाजी होती है फिर से, तो 300 का टारगेट जाएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों इस तो 311 की पाली खेली थी पहले बल्लेबाजी करते, उस बात ये बल्लेबाजी फिर से बहुत ही अच्छी शानदार बल्लेबाजी हो सकती है। दोस्तों बात करें मुकाबले की, मुकाबला काफ़ी अच्छा हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले की बात करेंगे फिर से, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे सुरेंद्र स्मिथ ने यहाँ पे 6 रन की पारी खेली थी 6 गेंदों में, रोच की गेंद पे लेबर विकेट हुए थे, सुरेंद्र स्मिथ एक चौका आया था उनके बल्ले से 100 की थी स्ट्राइक रेट। उस्मान ख्वाजा ने 75 की पारी खेली थी 31 गेंद में 10 चौके जड़े थे उन्होंने, 57.25 थी स्ट्राइक रेट। उस्मान ख्वाजा 75 की पारी खेली, सिंक्लेयर ने हमें अतंजा ने कैसलब का, मारनोस ने हमें 3 रन की पारी खेली 3 गेंदों में, ए जोसेफ गेंद पर सिंकली ने कैसलब का, मानो साथ 3 रन बना के आउट हुए। कैमरन ग्रीन ने यहाँ पे 8 रन की पारी खेली 14 गेंदों में 8 रन बनाए थे उन्होंने, एक चौका जड़ा है 57.14 गिरी है स्ट्राइक रेट। रोज की गेंद पे बेतवाई ने कैसलब का, कैमरन ग्रीन 8 रन बना के आउट हुए। ट्विस हेड ने यहाँ पे 0 विकेट गवाए हैं, 1 गेंद 0 रन बनाए थे उन्होंने। ट्विस हेड ने रोज की गेंद पर सिल्वा ने कैसलब का 0 रन बनाया था फिर विकेट गवाया। दोस्तों 175 की पारी ख्वाजा ने खेली थी बहुत ही शानदार पारी, फिर से अच्छी पारी खेली देखने को मिली है इस मैच में, बहुत ही अच्छा मुकाबला खेला गया। दोस्तों बहुत ही शानदार पारी रही है, अच्छी पारी अच्छा मुकाबला फिर देखा गया। बात करेंगे मुकाबले की तो मुकाबले बहुत ही अच्छा रहा दोस्तों। अब बात करें मिचेल मॉर्स की तो 21 रन की पारी खेली 20 गेंदों में उन्होंने, 3 चौके एक छक्का जड़ा था, बहुत ही शानदार पारी 105 की रही उनकी स्ट्राइक रेट, अच्छा मुकाबला फिर देखा गया। जोसेफ गेंद पे जोश ने कैसा हुआ, मिचेल मॉर्स 21 रन आउट हुए। एलेक्स कैरी ने 56 की पारी खेली 59 गेंदों में 9 चौके एक छक्का लगाया था, 132.65 की थी स्ट्राइक रेट। एलेक्स कैरी जोसेफ गेंद पे एलेक्स कैरी ने 65 रन बना के आउट हुए। मिचेल स्टॉक ने यहाँ पर 2 रन की पारी खेली, जोसेफ की अच्छी गेंदबाजी देखने मिली आपको, देख सकते हैं आप, मार्च को आउट किया केरी को रिस्टा को अच्छी पारी खेली है फिर से। दोस्तों बात करें पैट कमिंस की तो कैप्टन ने नोट आउट है अभी, 64 पारी खेल चुकी है, एक अच्छे
दोस्तों पेटमिश ने एक अच्छी पारी खेली है, ऑलराउंड बल्लेबाज हैं, उन्होंने अच्छी पारी करी है। 64 रन 64 की पारी खेली, 73 गेंदों में 8 चौके छक्का जड़ चुके हैं, 87.67 की स्ट्राइक रेट, नॉट आउट है। नथन लियोन ने दोस्तों 19 की पारी खेली, 19 गेंदों में 1 चौका जड़ा है, 100 की स्ट्राइक रेट। दोस्तों नथन लियोन भी अच्छी बल्लेबाजी करने वो मशहूर है, ताकि आज 19 रन आउट हुए। पेटकमिंस एक अच्छे बॉलर्स हैं, एक अच्छे बैट्समैन हैं, उनकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है। उनको IPL में भी करोड़ों में खरीदा गया, और यहाँ एक बार फिर से मुकाबला एक बार फिर अच्छा रहा दोस्तों। यहाँ देखना होगा फिर पेटकमिंस को, यहाँ पे 64 की पारी खेली, 73 गेंदों में बहुत ही शानदार मुकाबला खेला गया, 8 चौके एक छक्का लगाए थे उन्होंने इस मैच में, शानदार पारी थी उनकी इस मैच की। वो यहाँ पे 87.87 के रन से रन आ रहे हैं उनके बल्ले से, तो ये फिर अच्छा मुकाबला फिर खेला जाएगा। पेटकमिंस नॉट आउट रहे थे, नथन लियोन ने 19 की पारी खेली थी 19 गेंदों में, वो 64 रन बनाकर पेटकमिंस ने नॉट आउट हुए थे। तो फिर ये पारी हुई समाप्त, उसके बाद अब फर्स्ट इनिंग में 289 की पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया ने। अब देखते हैं किस तरह से रहता है रिकॉर्ड सेकेंड इनिंग में पेटकमिंस का, नजर डालते हैं अब एक बार फिर से परफॉर्म की, देखते हैं मुकाबले की। फॉलो विकेट में 6 पे गिरा पहला विकेट स्मिथ का, 11 पे गया दूसरा मानुस का, उसके बाद 24 पे तीसरा गिरा, 24 पे चौथा, और 54 में 5वां गिरा था, 150 पे 6वां, 161 पे 7वां, 242 पे 8वां, 289 पे 9वां, इस तरह 9 विकेट गिरे थे। वो इनिंग्स समाप्त हुई, उसके बाद बॉलिंग की बात की, कैमर रोज ने 11 आउट डाले, जोसेफ ने 14 आउट डाले, समर रोज जोसेफ ने 11 आउट डाले, जस्टिन ग्रेव्स ने 9 डाले, केविन सिलर ने 8 आउट डाले। दोस्तों बात करेंगे कैमर रोज की, 11 ओवर में 47 रन दिए हैं, 3 विकेट लिए हैं, 4/27 की इकोनॉमी रही है। जोसेफ ने यहाँ पर 14 ओवर में 84 रन देकर 4 विकेट लिए हैं, 6 की इकोनॉमी रही है इनकी। समर रोज जोसेफ ने 11 आउट डाले हैं, 1 मैड निकाला, 56 रन, 1 विकेट लिया, 5.0 रन की इकोनॉमी रही है। जस्टिन ग्रेव्स ने यहाँ पर 9 ओवर में 3 रन देखे, 31 रन के ऊपर ओवर्स आए हैं। केविन सिकलर ने 8 ओवर में 1 मैड निकाला, 53 रन, 1 विकेट लिए हैं, 6.62 की इकोनॉमी गिरी है। दोस्तों वेट गेंद में 1 डाली कैमर रोज ने, 1 डाली थी जोसेफ ने, 5 नो बॉल डाली थी जोसेफ ने, 1 डाली थी केविन सिकलर ने। इस तरह से मुकाबला बहुत ही शानदार है, 4 विकेट आए जोसेफ खाते में, रोज ने 3 विकेट ली, और जोसेफ समर जोसेफ अलजा जोसेफ दोनों गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। समर जोसेफ ने यहाँ पे 11 गेंदों में एक मैडल निकाला, 56 रन, 1 विकेट भी लिया है, तो यहाँ पे 4 विकेट निकाली थी। अलजा जोसेफ ने यहाँ पे 14 गेंदों में 84 रन दिए, 4 विकेट लिए। केविन दोस्तों सिंगले ने यहाँ पे 8 गेंदों में एक मैडल निकाला, 53 रन, 1 विकेट लिया है, 6.62 की इकोनॉमी रही इनकी। दोस्तों जोश हेजलवुड की बल्लेबाजी बाकी रही थी, और 9 विकेट पे पूरी इनिंग समाप्त हुई 289 पे। दोस्तों बात करें मुकाबले की, मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा देखने को मिला है, फिर से अच्छा मुकाबला देखा गया है। दोस्तों बात करें परफॉर्म की, परफॉर्म बहुत ही अच्छा। दोस्तों कैमर रोज 11 ओवर में 47 रन, 3 विकेट, 4/27 इकोनॉमी, जोसेफ 14 ओवर 84 रन, 4 विकेट, 6 इकोनॉमी, समर जोसेफ 11 ओवर 1 मेडल, 56 रन, 1 विकेट, 5.09 की इकोनॉमी, जस्टिन ग्रेव्स 9 ओवर 3 मेडल्स, 31 रन, 0 विकेट, 3.54 इकोनॉमी रही उनकी इस मैच में।